हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड दिस इज डे 14 ऑफ 30 डेज कट चैलेंज। क्योंकि आज हमारा 14वां दिन है, डे 14 है इस चैलेंज को शुरू किए हुए। कल हमारा 15वां दिन होगा, मतलब वीक 3 का डे 1 होगा। तो कल से हम और 100 या फिर 200 या फिर 150 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करेंगे। वो आपको एग्जैक्ट कल की वीडियो में पता चलेगा कि कितने कैलोरीज का मैं डेफिसिट क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब आज हमारा फुल डे है, वी विल बी ट्रेनिंग बैक biceps and real delts as well। एक्चुअली मुझे फील हो रहा है कि जिस तरह से हम कैलोरीज का और ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट करते जा रहे हैं, कैलोरीज को कम इनटेक करेंगे जिस तरह से, मतलब कल से हम और कैलोरीज को डेफिसिट करेंगे, अगले वीक और होगी तो जो सेट्स की अमाउंट है वो भी कम करनी पड़ेगी। मतलब मैं 4 कर रहा हूँ, 3 पे आना पड़ेगा क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी बॉडी में। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो मैंने 46 डेज वाला चैलेंज किया था तो उसमें मैंने हर एक्सरसाइज के 3 सेट ही रखे थे और 3 ही लगाता था। 4 सेट वाला ये पंगा मैंने पहली बार लिया है, बट इट इज़ काइंड इफेक्टिव, इफेक्ट करता है ये भी काफ़ी, अगर आप काफ़ी देर से 3 या 2 सेट लगा रहे हैं तो। आई एम गोइंग टू डू प्रीचर कर्ल ऑन फ्री वेट। वो मशीन पे भी लगा सकते हैं, बट मशीन पे मुझे ऐसे फील होता है कि एक मेरा बाइसेप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा कम, दैट इज़ वाई मैं फ्री वेट पे आ गया हूँ। फ्री वेट वैसे भी बेटर है, आपको फील होता है कि कौन सा बाइसेप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। दूसरा जो मशीन वाला है उसमें ये नहीं फील होता, उसमें जो मर्ज़ी ज़्यादा फील होता हो वो उठ जाएगा, इससे ज़रा बैलेंस से पता चल जाता है। अभी बाइसेप का वर्कआउट कंप्लीट हो गया, अभी लास्ट एक्सरसाइजेज में रह गई हैं 2 रेयर डेल्ट फ्लाई रेयर डेल्ट्स के लिए और डंबल पुल ओवर लैट्स के लिए। उसके बाद एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज पैरेलल डिप्स ऐड करके तीनों लगा के उसके बाद हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया।